का दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटेट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है, परीक्षा तिथि घोषित करने को लेकर। आपको बता दूं दोस्तों, सीटेट की जो एग्जाम होने वाली है वो जुलाई में कंडक्ट होगी। 30 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके चालू होने वाले हैं। ऑफलाइन 3 पेपर इस बार CBSE बोर्ड है वो कराने वाला है। इसी के वजह से दोस्तों सीटेट में इतना समय लगा है, वरना दोस्तों सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी है वो आ जाता है ऑफिशियली वेबसाइट पर। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की बिल्कुल सटीक है वो सही जानकारी आपको चैनल पर प्रोवाइड होती है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इन दिनों नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, यानी कि इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जानी है। सीटेट प्रमाण पत्र के बाद आप जैसे ही आप सीटेट पास कर लेते हो उसके बाद आप आर्मी टीचर, ERDO जैसे केंद्र सरकार के तहत शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। KVS स्कूल होते हैं, NVS स्कूल होते हैं, और इसके लिए दोस्तों जो है CBSE बोर्ड के द्वारा हर वर्ष पेपर का आयोजन साल में दोस्तों जो करवाया जाता है 2 बार, लेकिन अभी दोस्तों जो जुलाई में एग्जाम होने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके बाद आपकी दिसंबर में भी एग्जाम होगी। सीटेट अब साल में 2 बार ही आयोजित करवाई जाएगी। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सीटेट समय पर नहीं आयोजित हो पाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। और सीटेट में जो रजिस्ट्रेशन है आपको कल या परसों से ही रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चालू होने के बाद आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है CTET NIC.in यानी कि CTET NIC.in से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इस बार 40 लाख से ज़्यादा होंगे क्योंकि 3 पेपर आयोजित होंगे। अब तीसरे पेपर का क्या दोस्तों रोल रहने वाला है? अभी तक आपको पता होगा 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो स्टूडेंट पास करते हैं कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए, पेपर सेकंड जो पास करते हैं वो 6 से 8वीं तक के लिए, लेकिन जो पेपर थर्ड अब नया आएगा दोस्तों वो कक्षा 9 से 11वीं तक के छात्रों के लिए जो वेकेंसीज निकलती हैं उनको पढ़ाने के लिए KVS, NVS या फिर आर्मी टीचर केंद्रीय विद्यालयों में, तो वहाँ पर आप जो है इसके जो है सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास सुनहरा मौका होगा, एक तरह से आपकी सेकंड ग्रेड की ये आपकी भर्ती समझ लीजिए। सीटेट यहाँ पर दोस्तों नया बदलाव किया है और इसका जो सिलेबस है वो अलग से जारी होगा। पैटर्न वही रहेगा, 150% आपके देखने को मिलेंगे और 90 और 82 अंक पर ही आपको पात्रता मिलेगी, लेकिन इस बार जो बदलाव होगा वो आपका सिलेबस को लेकर होगा। तीसरे पेपर का जो सिलेबस है काफ़ी हार्ड रहेगा और इसमें आपको अपडेट यानी कि नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। सीटेट जुलाई परीक्षा का नोटिफिकेशन अप्रैल माह में ही जारी हो जाएगा लास्ट तक, और जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाएगा। आप ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ से सीटेट का रिजल्ट है या फिर उसका दोस्तों एडमिट कार्ड है या जो भी अपडेट आदि है नोटिफिकेशन को लेकर, सभी जानकारी आप वहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको लेटेस्ट अपडेट सीटेट से संबंधित मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।